Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very good morning to all my dear students Ahiba, Firdous, your Diniya teacher Today uh, we will start lesson number 32 Telling Lies Here the ayat of Surah Jasia Bismillahirrahmanirrahim وَيَلُ لِّكُلِّ affakin asim. वो टू तो एवरी सिंफुल लायर हाय है बर्बादी है उन हर उस झूठे के लिए जो झूठ बोलता है लाइंग इज अ सिन एंड अल्लाह हैज अन्ज हो लाई सिंफुल पीपल यूज लाइज टू कवर अप देयर इविल हैबिट्स झूठ एक गुनाह है जो अल्लाह ताला के अल्लाह ताला ने उन लोगों पर झूठे लोगों पर जो झूठ बोलते हैं गुनाह करते हैं उन पर लानत भेजी है जो अपनी बुरी आदतों को अपनी बुराई को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं दे स्टार्ट बाई टेलिंग स्मॉल लाइज बट सोन डेवलप द हैबिट ऑफ लाइंग ऑल द टाइम झूठ एक ऐसी आदत है अगर इंसान को छोटी छोटी चीज़ों पे पहले तो छोटी चीज़ों पे बोलने की आदत होती है और वो बढ़ते बढ़ते बुरी यानी बुरी आदतों पे डाल देता है और फिर इंसान के अंदर वो आदत बन जाती है कि वो हर बात में झूठ बोलने लगता है तो हम देखेंगे कि इंसान झूठ कब बोलता है यानी सच बात सच बात बोलने की उसके पास हिम्मत नहीं होती या सच्चाई से उसको क्या चीज़ रोकती है डर या फिर उसका कोई चीज़ का नुकसान तो शैतान हमेशा हमारे दिल में डर पैदा करता है कि हमको नुकसान हो जाएगा या हम ये उनको क्या बड़ों से या जब बच्चे जब झूठ बोलते हैं तो माँ बाप की डांट से डर के झूठ बोलते हैं तो उससे बचने के लिए झूठ बोलते हैं अगर इंसान को झूठ बोलने की आदत होती जाए और वो झूठ झूठ बोलते जाता है तो उसके दिल पे यानी जब एक पहला झूठ बोलता है तो उसके दिल पे एक ब्लैक डॉट आता है और अगर ये आदत उसकी बन जाए वो हर बात में झूठ बोलने लगे या मजाक में भी झूठ बोले तो उससे भी हमको बचना है झूठ की आदत जब हो जाएगी तो बोलते बोलते उसके झूठ की वजह से उसके दिल का जो ब्लैक डॉट है वह बढ़ते बढ़ते उसका पूरा दिल काला हो जाएगा और झूठ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बड़े बड़े गुनाह करने पर मायल करती है तो हमको झूठ के करीब भी नहीं जाना है झूठ से बचना है द लायर्स लूज द ट्रस्ट ऑफ अदर्स वन दे से समथिंग नो बडी बिलीव दैम और दूसरा नुकसान ये है झूठ का कि हम लोगों का भरोसा हमारे ऊपर से उठ जाता है और उस पर कोई भी यकीन नहीं करता रसोल अक्लम सल्ला वसम ने फरमाया जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ते उससे मील दूर यानी कोसो दूर कोस मील दूर चले जाते हैं उससे दूर हट जाते हैं फरिश्ते उसके करीब नहीं आते हैं इवन वन दे स्पीक द ट्रूथ नो बडी बिलीव देम अगर जो झूठ बोलने वाला है जब उसके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाता है यानी लोगों को पता चलता कि ये आदमी झूठा है इन्हें कभी भी झूठ बोलता है अगर कभी ना कभी उन्हें सच भी बोल रहा है तो उसकी बात का यकीन कोई नहीं करते क्योंकि उसको लोग झूठ बोलते हुए पाए थे द लायर्स डो नॉट हैव एनी रियल फ्रेंड तो झूठे लोग होते हैं उनके कोई रियल फ्रेंड नहीं होता एवरीबडी ट्रस्ट ट्रूथफुल पीपल रसोल वम वॉज नोन एज़ असादि द ट्रूथफुल वन एंड बाई द पीपल ऑफ़ मक्का यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 25 फाइव ईयर्स में अदिख और अलामीन के टाइटल से नवाज़ा गया था यानी अरब के पूरे बड़े बड़े जो लोग थे जो बड़े खुरेश के सरदार थे वहाँ के तो वो सब मिलकर आपको टाइटल देते और और अलामीन के नाम से आपको जानते क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे और लोगों की अमानतों की हिफाजत करते थे लेकिन यहाँ पे आप नबी नहीं बनाए गए थे अभी अल्लाह ने आपको चालीस साल में नबोत के काम पे फाइज़ किया तो आपकी जो पर्सनालिटी थी वो पहले से ही बहुत मशहूर हो चुकी थी यानी अल्लाह ताला ने जो काम आपको दिया वो आपकी अच्छाई को रहे यानी आपको अल्लाह ताला ने इतने आ, बुराई से आप पाक साफ थे उसके बाद अल्लाह ने आपको नबी बनाया नहीं आपकी पर्सनैलिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा मशहूर थी और आप सच्चे थे दे ऑल ट्रस्टेड रसोल्लाम बी टू बी ट्रूथफुल पर्सन एज मुस्लिम्स वी शुड फॉलो द alaihi wasallam एंड ट्राई टू बी ऑलवेज़ ट्रूथफुल रूथफुलनेस लीड्स टूट राइटियसनेस एंड राइटियसनेस लीड्स टू पैराडाइज यानी सच्चाई का रास्ता हमको निकी की तरफ ले जाता है और निकी का रास्ता हमको जन्नत की तरफ ले जाता है वी मस्ट ऑलवेज अवॉइड लाइज सम पीपल टेल लाइज़ टू गेन सम बेनिफिट सम टेल लाइज़ टू हार्म एंड हर्ट अदर्स सम टेल्लाइज फॉर द फन ऑफ इट वी मस्ट अवॉइड ऑल काइंड ऑफ लाइज दुरान एडवास एंड शन दर्ल वर्ड दैट इज़ लाइ लाई तनीबू तनीब जरी जुरी और झूठी बात से परहेज़ करो झूठ की मुमानियत इसलिए भी है कि झूठ इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाता है और सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाह के रसूल सल्ला वम ने फरमाया झूठ बोलने से रिस्क घट जाता है कमी आ जाती है रिस्क में यानी झूठ ईमान का नुकसान भी है और माल का भी पीपल नो दैट अ सिंफुल लायर डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ही इज विलिंग टू डू एनी थिंग दैट विल बेनिफिट हिम द वर्ड्स लाई द अमंग जो सबसे झूठों में से जो अल्लाह पे झूठ बांधे वो सबसे बड़ा झूठा है सरे नाम आयत नंबर वन फोटी फोर हो ड मोर रॉन्ग देन वन हु अ अल्लाई अगेंस्ट अल्लाह टू लीड मैन काइंड एस्ट्रे विदाउट नॉलेज सडनली अल्लाह गाइड्स नॉट द पीपल हु आर जालिमून जो अल्लाह पे झूठ बांधे और लोगों को झूठे रास्ते पर लेके जाए वो सबसे ज़्यादा झूठा है गुनेगार है और जालिमों में से ही डज not इवन माइंड हार्मिंग हिज फ्रेंड्स और फैमिली फॉर द स्मॉलेस्ट पर्सनल गेन अ sinful इज नॉट लाइक्ड बाई अल्लाह अ पर्सन हु हैज़ बीन कर्ज बाई अल्लाह Allah cannot बी ब्लेस्ड बाई एनी वन जिस पर अल्लाह की लानत की गई हो वो उस पर फिर अल्लाह की क्या किसी और की भी कोई बरकत नहीं आ सकती देर वॉज़ नो बिहेवियर मोर हेटेड टू रसोल्ला वल्लम दैन लाइंग जो सबसे बुरा माना गया है वो झूठ है क्योंकि झूठ हर फसाद की जड़ है हर बुराई की जड़ है जो इंसान को बड़े से बड़े गुनाह करने पर मायल करती है रसूल अक्रम सम का अर्शाद है जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छे अखलाक हैं यानी अल्लाह का डर तखवा है और अच्छे अखलाक जब आते हैं जब इंसान के अंदर सच बोलने की आदत हो अल्लाह का डर हो ही मत एदर आस फॉर और अवेट हिज पनिशमेंट फॉर गिवनेस और वेट फॉर हिज पनिशमेंट The science of hypocrite, Rasulullah sallallahu sallam, is said, whoever has these four habits, he is a sure hypocrite. Yani Munafiq. Munafiq ki nishaniya, jo Allah ke Rasool sallallahu ne batai. And whoever has any one of these habits, he has one of the characteristics of hypocrite. He is advised to give up, give it up. अगर किसी के अंदर इसमें से एक भी चीज़ अगर है तो उसको भी छोड़ने का हुक्म दिया गया है क्योंकि ये मुनाफिक जो है यानी मुनाफिक वो होता है जिसके दिल में ईमान नहीं होता और इस्लाम के साथ अल्लाह के साथ मजाक करता है द फोर कैरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ़ हाइपोक्राइट एज़ फॉलोज हियर क्या है कि मुनाफिक जो होता है पहले तो वो छूट बोलता है एंड दूसरी चीज़ व्हेन ही इज इंटरेस्टेड विथ ट्रस्ट और वो उस ट्रस्ट को तोड़ देता है जब उस पर भरोसा किया जाता है तो उस भरोसे को तोड़ता है झूठ बोलता है और वादा करके वादे को तोड़ देता है वैन ही हैज ए डिस्प्यूट विथ समन ही यूज़ फोन लैंग्वेज और गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करता है गाली गलोच करता है तो ये चार निशानियाँ जो है मुनाफिक की है अगर इसमें से एक भी हमारे अंदर है तो उसको हमको छोड़ने का हुक्म दिया गया है क्योंकि इंसान एक बुराई की तरफ अगर जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इन्वॉल्व होते जाता है तो हमको कोशिश करनी चाहिए इन तमाम बुराइयों से बचने की और सच बोलने की क्योंकि सच नेकी का दरवाज़ा है और नेकी की तरफ ले जाता है हमको परहेज़ करना चाहिए झूठ से और झूठे रवैये से झूठी शहरत से झूठी तारीफ़ों से झूठे मज़ाक से और झूठे ख़्वाब बयान करने से इन तमाम चीज़ों से हमको परहेज़ करना है बचना है और सच बोलने की कोशिश करना है और अल्लाह से हमेशा दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमको सच बोलने की तौफीक दे और हमारे हमको हमारे ईमान को सही आ, रास्ते पे चलाए और हमारे ईमान को बढ़ा दे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेंगे तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ वाखा अलहदुल्ल रबालमीन जजाक खैर